गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने बालों का सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, यानी कि मुझसे बहुत से लोग काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सुगम आपके बाल काफ़ी हेल्दी हो रहे हैं, काफ़ी घने हो रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी लंबे भी हो रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे हैं तो देखे हैं यहाँ पर बाल काफ़ी कम थे, लेकिन इस चीज़ को लगाने के बाद मेरे बालों में जो ग्रोथ आई है, जो बालों का मोटे हुए हैं, हेयर फॉल पूरी तरह से चला गया है और नए बालों ने भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। तो जी हाँ, मैं आज जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है नेचर श्योर के थंबा वंडर हेयर ऑयल की। और मुझे यूज़ करते हुए इसे 3 से 4 महीने हो गया है और इसने जो है मेरे बालों पे मैजिक वर्क दिखाया है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं। आई थिंक रनराज एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट है जिसके बेनिफिट्स हर कोई जानता है, वो इसमें है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन इस हेयर ऑयल को मैं 3 महीने से लगा रही हूँ और आप भी मुझे प्रॉपर वॉच कर रहे हो कि किस तरह से मैंने इन 3 महीनों में अपने बालों को जो है बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ दिया है, बहुत ही अच्छी सी शाइन दी है और बालों की जो लेंथ है वो भी बहुत तेज़ी से हुई है। इवन मैंने केमिकल ट्रीटमेंट भी लिया था अपने बालों पे, लेकिन उसका भी असर इसने पूरी तरह से निकाल दिया है। ना ही बाल ड्राई हुए हैं और ना ही रफ हुए हैं, इवन बालों का ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हुआ है और बालों का लेंथ, बालों का टेक्सचर सब कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा लुक देता है मेरे बालों को, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं चार चांद लगाता है। बताते हैं कि इसे कैसे लगाना है, इसका प्राइस क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है और फुल पैकेजिंग का एक रिव्यू, और साथ ही साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, इस ऑयल को अगर आपने ले लिया तो बालों की सारी समस्याओं को आप टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेचर श्योर के प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो इनके प्रोडक्ट की मुझे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगती है और इसका प्राइस है 340। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जरूर चेकआउट करिएगा। और सबसे अच्छी बात है, ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है, क्योंकि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें कोई भी एडेड चीज़ें नहीं होती, यानी कोई भी एडेड परफ्यूम नहीं होता है। इसकी जो नेचुरल सुगंध है वही आपको होगी, तो आप ये सोचें कि इसमें कोई खुशबू वाला है तो कुछ भी नहीं, यानी कि ऊपर से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ये मिलाते हैं। और साथ ही साथ हेयर ऑयल है और बूस्ट हेयर ग्रोथ, जो आपने देखा मेरे हेयर बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, हेयर फॉल से आपको पूरी तरह से बचाएगा। मैंने आपको बोला कि मेरे हेयर फॉल पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इंक्रीज हेयर काउंट एंड लेंथ, आपके बालों को जो पतले हैं उन्हें मोटा करेगा और लेंथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो आपने मतलब सीधी से बात है कि सैंपल देखा ही हुआ है मेरे बालों को, तो इसमें इफ़ एंड बट करने की जरूरत ही नहीं है कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इंग्रेडिएंट काफ़ी वेल नोन है, थुम्बा है इसमें, इसमें भृंगराज है, इसमें क्रंज है, इसमें कपूर है, काचरी है, तिल ऑयल है एंड मस्टर्ड ऑयल है। तो मैंने बोला कि ये थोड़ा सा मोटा तेल है बिकॉज इसमें मस्टर्ड ऑयल है। अंदर की पैकेजिंग की मैं बात करती हूँ, बिकॉज मैं 3-4 ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, तो ये न्यू पैकिंग है और न्यू पैकिंग क्या, इसमें भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत, तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और जैसे कि बहुत सारे ऑयल होते हैं कि उन्हें पहले आपको कटोरी में निकालना है देन अप्लाई करना है, इसमें ऐसा नहीं है, अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया। तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा मोटा तेल है तो बालों में जो है बहुत ही कम लगता है, तो काफ़ी दिन चलता भी है। और एक चीज़ मैं और बताऊँगी, जैसे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये है अगर गिर जाएगा तो इधर उधर जैसे कि ऑयल गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसका भी इन्होंने इंतज़ाम करके दिया हुआ है, यानी कि एक ऐसी छोटी सी कैप इन्होंने दी हुई है, कैप दी हुई है कि अगर आप इसे रखें अपनी अलमीरा में तो इसको लगा के देन इसके बाद आपको इसे ऐसे रखना है। तो सारी सेफ्टियों का ध्यान रखते हुए नेचर श्योर ने इस पैकेजिंग को वो रेडी करते हैं। और थुम्बा ऑयल जो एक बार वंडर ऑयल एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीक में 3 बार मैं इसे लगाती हूँ, जैसा कि मैंने बोला है कि मतलब अल्टरनेट डेज लगाती हूँ, सैटरडे लगाती हूँ, थर्सडे लगाती हूँ और जैसे कि ट्यूसडे लगाती हूँ। इस तरह से आप अल्टरनेट डेज इसे लगाइए, होल नाइट रखिए, उसके बाद मॉर्निंग में आप जो मतलब अगर केमिकल फ्री शैम्पू अगर आप यूज़ करते हो तो आप केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके बालों के लिए। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और बालों की लेंथ और बालों की ग्रोथ और बालों का जो भी आपका पतले बाल है वो पूरी तरह से मोटे हो जाएंगे, तो इस तरह से ये वर्क करता है।
देखा इसका रिव्यू, और अगर बालों की बात करें तो आप काफी महंगे महंगे शैम्पू लेते होंगे, काफी महंगे महंगे ऑयल भी यूज करते होंगे, लेकिन अगर आपने इस हेयर ऑयल को यूज किया तो आप यकीन मानिए काफी मोटे होंगे, शाइनिंग होंगे। और एक बार लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, मे बी आपको ऑफर मिल जाए। और ये जो है मेरी आई थिंक चौथी या पांचवी बॉटल है, तो इन 3 महीनों में इवन ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बिकॉज थोड़ा सा मोटा गाढ़ा तेल है। जो पतले वाले तेल होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा तेल है। और इस ऑयल की मुझे खास बात ये लगती है कि नेचुरल फ्रेग्रेंस से बना है, इसमें कोई भी एडेड परफ्यूम नहीं है। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चल मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।